आज मैं प्रश्नावली 2.3 का दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट बता रहा हूँ। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं, मतलब इसका ये गुणनखंड है कि नहीं बताना है। तो पहले इसको भाग देख कर चेक कर लेते हैं। भाग देख कर जो जीरो आ गया हमारा तो समझ जाइए मतलब इसका बहुपद है, नहीं आया तो समझो नहीं है। तो इसको पहले नोट कर लेते हैं। 2t4 + 3t³ - 2t² - 90 - 12, ये हो गया हमारा। और भाग देना है हमें, देना है t² - 3 से, तो देते हैं। अब लाना है हमें t 2 4, लाना है t का और 2 हमारे पास है, तो 2 से करेंगे और t² लेंगे तो हमारा 2 2 4 हो जाएगा और 2 आ जाएगा, 2 हो गया और t 4 हो गया हमारा, ये हो गया। अब इसका इससे भी करना पड़ेगा तो हमारा 2 3 6 हो जाएगा और ये यहाँ पे स्क्वायर्स में भी है और स्क्वायर्स में भी रहेगा तो हमारा स्क्वायर का स्क्वायर के नीचे होगा तो 6 माइनस का हो जाएगा और t² हो जाएगा। अब साइन चाहिए, ये प्लस का है हमारा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का हमारा 3t तो क्यूब रहेगा ही, ये प्लस का है ये माइनस का है। अब ये तो प्लस का साइन का बड़ा है और घटेगा तो हमारा आएगा 4t² - 90, ये हो गया। अब देखते हैं, अब लाना है 3t³ और यहाँ पे 2 है तो प्लस कराना तो 3 रख दिया और 1t ले लेंगे तो 3t हो जाएंगे तो प्लस का 3t³ हो गया। अब इसका इससे करेंगे तो हमारा आएगा 3 3 9, ये 9 आ गया और माइनस का भी आ गया और 1t भी आ गया, ये हो गया हमारा। अब ये प्लस का है हमारा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हमारा प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस हमारा कट जाएगा और ये भी कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमारा बचेगा 4t² और इधर 12 बचेगा। अब फिर भाग देते हैं, लाना है 4t² और t² हमारे पास सिर्फ 4 से प्लस कराना तो 4 से कर देंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 4t² और 3 4 12 माइनस का हमारा 12 आ जाएगा। तो ये साइन चेंज करेंगे, फिर इसका भी साइन चेंज करेंगे तो हमारा जाके कट जाएगा ये भी और ये भी कट जाएगा तो 0 आ गया, मतलब ये हमारा। अब लिख देना है हाँ यह एक प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, लिखना है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ये लिखना है हमें। क्वेश्चन का देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारा x² + 3x + 1 है और 3x4 + 5x3 - 3, ये क्वेश्चन है तो इसको पहले उतार लेते हैं। तो ये (3x4 + 5x³ - 7x²) + 2x + 2, ये हमारा है। अब डिवाइड हमें करना है (x²) + 3x + 1 से, इसमें 3 संख्या है तो डिवाइड करते हैं। अब लाना क्या है हमें, 3x4 लाना है, हमारे पास x2 है तो 2x से मतलब गुणा करेंगे तो 4 हो जाएंगे और 3 से करेंगे तो हमारा 3x² से करेंगे तो वहाँ 4 हो जाएगा, 3 भी आ जाएगा तो 3x4 हो गया। अब इसका इससे भी करना पड़ेगा तो 3 3 9 हो जाएगा हमारा और x इसमें भी है और 2x तो 3x हो जाएगा तो 3x इसमें है तो हमारा प्लस का 9 और 3x इसमें हो जाएगा। अब 1 है और इसमें 3x + स्क्वायर तो इसका इतना ही आ जाएगा तो हमारा स्क्वायर इसमें लगा है और स्क्वायर इसमें भी तो हमारा ये हो जाएगा प्लस का 3x². अब इसका प्लस का है तो हमारा माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब माइनस प्लस हमारा कट जाएगा और ये माइनस का है ये प्लस का है, माइनस का हमारा साइन बड़ा होता है ना तो ये माइनस का चिन्ह आ गया, ये संख्या बड़ा है
और जब घटाएंगे तो हमारा बचेगा 4, एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे हमारा माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह मगर माइनस का आएगा, और यहाँ पे 10x² हो जाएगा और ऊपर का उतार लेते हैं 2x। अब फिर लाना क्या है, माइनस का 4x³, हमारे पास x² है तो माइनस का 4x जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा माइनस का 4x³। फिर इसका इससे करेंगे तो x² हो जाएगा और 3 × 12 हो जाएगा और माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का हो गया और 12x² हो गया। फिर इसका ऐसे करेंगे तो हमारा माइनस का 4x आ जाएगा। अब साइन चेंज कर लेते हैं तो प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, ये हो गए। अब ये तो कट जाएगा माइनस प्लस, और ये हमारा प्लस का है माइनस का है, और ये बड़ा है तो प्लस का आएगा निशान, और घट जाएगा 2 बचेगा 2x², और यहाँ पे बचेगा हमारा प्लस का 6x और ऊपर बचा 2। अब प्लस कराना है प्लस का ही, तो प्लस का निशान लगाएंगे, फिर एक्स 2x लाना, 2x² हमारे पास तो सिर्फ 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमें प्लस का 2x², फिर 3 × 6 प्लस 6x और प्लस 2 आ गया। तो ये हमारा साइन चेंज करेंगे तो सब कुछ कट जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, तो 0 आ गया हमारा, मतलब ये भी एक इसका बहुपद है, तो लिख लेते हैं, हाँ हो गया हमारा। क्वेश्चन इसका देखते हैं, ये हमारा है तो इसको पहले इससे इसको भाग देना, तो इसको लिख लेते हैं, हमारा दिया है x5 − 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, और भाग देना हमें x³ − 3x प्लस 1 से, तो देते हैं, लाना क्या है, x5 लाना है और x³ है तो हमें x² से करना पड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा x5, और फिर अब इसका इससे भी करना पड़ेगा तो हमारा x² से और 3, तो 3x हो जाएगा और माइनस का 3 और क्यूब हो जाएगा, ये हमारा 3x हो जाएगा। फिर 1 से करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा हमारा, तो प्लस का x² आ गया। अब साइन ये प्लस का है तो हमारा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हमारा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब ये हमारा कट जाएगा और ये हमारा प्लस का है, माइनस का बड़ा है तो, और फिर घट जाएगा तो हमारा सिर्फ x² बचेगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्यूब बचेगा और यहाँ पे हमारा ये भी कट जाएगा हमारा। अब जो आगे बचा है वो उतार लेते हैं, ये हो गया हमारा प्लस 1। अब फिर लाना है हमें माइनस का x³, और हमारे पास x³ है मगर माइनस का लाना, तो 1 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का x³, फिर इसका इससे करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया और 3x हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस का 1 आ जाएगा। अब साइन चेंज कर लेंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये कट गया, ये भी कट गया और माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया हमारा। तो ये हमारा ये नहीं लिखना है यहाँ पे, फिर नहीं नहीं है मतलब की। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे आपको इसके आने वाली वीडियो अगली वीडियो मिल सके। और